इंदौर शहर में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरित किए। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर स्वच्छता में चौथी बार नंबर वन आने पर शहरवासियों को बधाई भी दी। इस दौरान विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता के साथ इंदौर को स्वस्थ बनाना है। विजयवर्गीय बोले कि आने वाले कुछ दिनों में उनके द्वारा गरीब बस्तियों में मास्क सैनिटाइजर घर घर वितरित किए जाएंगे, जिससे कि कोरोना महामारी के बचाव हो सके। आयोजन के दौरान कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक नाटक का मंचन भी एक NGO द्वारा किया गया। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ देवेन खन्ना की रिपोर्ट। और नगर निगम के अधिकारियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छे से इसका क्रियान्वयन भी चल रहा है। मुझे तो श्रृंगार श्रीवास्तव जी कई एक हफ्ते से बोल रहे थे कि आप आओ आओ, तो मैंने बोला यार बस फोटो ही खिंचाना है आके कि वाकई में बांटेंगे भी अपन। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं जिम्मेदारी करके हमारे शर्मा जी पूरी टीम के लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। आज मैं इंदौर के सभी, देखिए अब मुझे ज़्यादा उसकी जानकारी तो नहीं है, मगर हम तो हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी विधानसभा के लोग सुरक्षित रहें, घरों में रहें, और यदि निकलते भी हैं तो पूरी जागरूकता के साथ निकलें ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारा पूरा शहर पुनः अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, जिस प्रकार स्वच्छता के लिए जाना जाता है, स्वस्थ रहने के लिए भी पूरे देश में विदेश में जाना जाता है। शहर ने चौका लगाया है, इसीलिए मेरा आप सभी साथियों के माध्यम से इंदौर वासियों से निवेदन है कि बहुत महत्वपूर्ण हो तो ही घर से निकले, बहुत आवश्यक हो तो ही घर से निकले, क्योंकि अभी भी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। तो अगर घर में रह के ही काम निपटा सकते हैं तो वो करें, और अगर बहुत आवश्यक हो तो निकलें, और यदि निकलते हैं तो मास्क लगा कर ही निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और घर में जाते ही, बाहर से जब भी घर में जाएं तो पूरे कपड़े धोने में डालें, अच्छे से स्नान करने के बाद ही अन्य चीज़ों को छुएं। ये आपके माध्यम से सभी इंदौर वासियों। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।